ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है, ऐसा कौन है? शिवराम जी, बाप। बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो, शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप, जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे नहीं आँखों से नहीं देखा जाता है उसी लिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं। आँखों से देखने के लिए तो यहाँ का भी संसारिक पदार्थों में भी कई चीज है जो हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई चीज ही नहीं है। तो जब कि संसारिक पदार्थों में से भी हम कोई चीज आँखों से न देख कर करके उस चीज की हस्ती समझते हैं कि है, तो वो तो परम पिता परमात्मा है ना। तो ऐसे नहीं इस आँखों से नहीं देखते उसकी मतलब है उसका कुछ है ही नहीं, नहीं वो है। है तो क्या है, वही तो बैठ कर करके यहाँ स्वयं जो है वही समझाता है मैं क्या। तो अभी उसी बेहद बाप से परिचय मिला है कि मैं क्या हूँ। हूँ तो एक स्टार लाइक बिंदी का हुआ, स्टार लाइक बहुत छोटी, लेकिन छोटी में बड़ा ये सब बेहद का नॉलेज और उसका बेहद का कर्तव्य का पाठ भरा हुआ है। इसी तरह से हम आत्माएं भी बहुत छोटी सी है, बिंदी स्टार लाइक, लेकिन उसमें हमारे कितने जन्मों का ये पाठ भरा हुआ है। जैसे रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड में गीत भरा हुआ है। देखो ये रिकॉर्ड्स का बॉक्स है ना, हा? कितने रिकॉर्ड पड़े हैं, हा? तो ये मानो आत्माओं का भी बॉक्स है जिसको निराकारी दुनिया कहेंगे, वो है आत्माओं के स्टॉक का बॉक्स। हाँ, जैसे इस बॉक्स में बहुत रिकॉर्ड पड़े हैं, इसी तरह से आत्माओं के भी स्टॉक का बॉक्स, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहो या उसको कहो आत्माओं के स्टॉक का बॉक्स, हाँ, जहाँ स्टॉक रहती हैं। और फिर उसी स्टॉक से नंबर वार टाइम अनुसार जैसा जैसा जब जिसका पार्ट है आत्माएं इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, पार्ट बने। जैसे यहाँ से रिकॉर्ड को निकाल करके ग्रामोफोन पर चढ़ाया जाता है, फिर चढ़ाया जाता है, फिर उसको वो नीडल ये रखते हैं और फिर वो बजता है, ठीक है ना। इसी तरह से वो निराकारी आत्मा भी यहाँ आती है, शरीर का आधार लेती है, तो इसके साथ वो फिर बोलती है। ये मानो उसको नीडल लगी तो वो जैसे बजता है, फिर ये टाकी हो जाता है, नहीं तो आत्मा साइलेंस शरीर के बिना, तो शरीर भी साइलेंस कुछ, हाँ शरीर भी कोई काम का नहीं और आत्मा भी जो है ना वो साइलेंस। जब दोनों का मेल होता है तो फिर बजता है, फिर टॉकी। तो रिकॉर्ड इसमें पड़े है तो भी साइलेंस में, ग्रामोफोन पर है तो भी साइलेंस, जब दोनों का मेल होता तो फिर बजता है, ऐसा होता है ना। तो ये सभी है चीजें समझने की जो बाप समझाते हैं। अभी बाप समझाते हैं सभी आत्माएं जो है ना उसको सबको शरीर में आना है, और शरीर लेना शुरू किया आत्मा ने तो उसको बहुत शरीरों में जन्म लेते, ऐसे नहीं शरीर लेकर के फिर वापस चली जाए वहाँ, नहीं। उनको जितना जितना टाइम है पार्ट बजाने का वो उनको शरीर लेने ही है। फिर शरीर लेने का भी स्टेजेस है बाप बैठ के समझाते हैं। तो पहले पहले जब ये आत्मा आती है ऊपर से तो पार्ट शरीर लेती है, तो पहली आत्मा प्योर है, इसीलिए उनको शरीर भी अच्छा, यानी उन्हें पीछे जितना जितना जन्म लेते जाएंगे, जितना जितना टाइम होता जाएगा, फिर सब स्टेज नीचे पड़ती जाएगी। तो जिसके आप पहले पहले आती हैं गोल्डन एज वर्ल्ड से यानी शुरू से, तो उनके बहुत जन्म होंगे,
जो पीछे आएंगे सिल्वर कॉपर एंड आयरन टाइम में, देखो अभी भी कोई आत्माएं स्टॉक तो वृद्धि होता है, संख्या बढ़ती जाती है नहीं, तो उसकी मान अभी भी उतरती जाती है आत्माएं, नहीं तो इतनी सोर्स कहाँ से आती है? ये मनुष्य की संख्या जो वृद्धि होती है ये कहाँ से होती है? जो मरते हैं वो भी तो जन्मते ही हैं, फिर अगर जो मरते हैं वही जन्मते होते, जो मरते हैं वही जन्मते होते, तो फिर स्टॉक इक्वल रहना चाहिए ना हा? नहीं, ये वृद्धि भी होता है तो उसकी माना स्टॉक बढ़ता है, तो कोई स्टॉक घर है ना जहाँ से आती है आत्माएं, तो आती भी है और जो मरते हैं वो भी यहाँ जन्मते हैं। अभी जाने की तो बात है नहीं, ऐसे नहीं जो मरते हैं वो जाते हैं दूसरी आती है, नहीं जो शरीर छोड़ते हैं वो भी एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं यहाँ ही है, और स्टॉक वृद्धि को भी पाता जाता है, संख्या बढ़ती जाती है, उसकी माना नई आत्माएं भी आती जाती हैं जो यहाँ स्टॉक बढ़ता जाता है, तो आती हैं जो अभी आती होंगी उसके बाकी कितने जन्म हुआ, क्योंकि आयरन एज का अभी एंड है, उसका क्या एक दो छोटे सभी छोटे आयु का हा? क्या जन्म होगा? तो इसी तरह से बाप बैठ कर करके समझाती है कि जो आत्मा शुरू से उनके बहुत जन्म जो पीछे पीछे आती हैं, और उसका तो बहुत में बहुत जन्म मनुष्य के शुरू से जो आती है तो बहुत में बहुत 84 जन्म, और कम में कम 2 भी जन्म हो सकते हैं। ऐसे भी लास्ट में आते अभी आएंगी तो उसका क्या होगा? 1-2 जन्म भी नहीं, अभी लास्ट में, अभी तो डिस्ट्रक्शन का टाइम है, बाकी थोड़े टाइम में उसकी बाकी क्या बसेस है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि हाँ देखो बहुत में बहुत 84, कम में कम 2 जन्म, जिसको मैक्सिमम मिनिमम, तो हाँ बहुत में बहुत कहो 84 और कम में कम 2। इसी तरह से ये जैसे झार होता है ना, झार में बढ़ता जाता है जो जर है, जर का आयु अगर झार में गिनेंगे लास्ट तक, भाई कहेंगे जर को पैदा हुए बहुत टाइम हुआ तो इसकी एज बहुत हुई झार में, और ये डार का टाइम थोड़ा कम रहा, फिर दूसरा छोटा डार, फिर टार, फिर टारिया, पीछे लास्ट में भी छोटे छोटे पत्ते निकल गएंगे, ये तो अभी अभी हाँ अभी अभी हुआ है, अभी अभी इसी झार का लास्ट है और खत्म होना है, तो ये अभी अभी उसकी आयु छोटी है, तो उसकी तो झार में भी नंबर वार जर की आयु टाइम ज्यादा है, डार की उससे कम, टार की उससे कम, टारी की उससे, फिर छोटी 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 टारी हाँ छोटे छोटे आएंगे तो उसके कहेंगे अभी अभी निकली, अभी अभी हाँ इसका खत्म होंगे। इसी तरह से ये मनुष्य सृष्टि रूपी भी एक वृक्ष, इसीलिए गीता में वृक्ष का नाम लिया हुआ कि ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष सदृश है, इसकी वृद्धि वृक्ष सदृश होती है, और फिर इसका अनादि है, सैपलिंग लगती है, ये वृक्ष सैपलिंग लगने वाला है। तो इसी तरह से बाप बैठकर करके समझाते हैं कि बच्चे अभी टाइम जो है ये वृक्ष वृद्धि को पा चुका है, अभी ये जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा चुका है, वृद्धि को पा कर करके बाकी भी थोड़ी बहुत जो वृद्धि होंगी वो भी अभी जल्दी जल्दी यहाँ होती जा रही है, लेकिन अभी एंड तो पहुंच गई है ना, तो अभी एंड, इसीलिए बाप कहते हैं अभी ये जड़ जड़ी भूत अवस्था को अभी इसको खत्म करके फिर नया सैपलिंग से फिर न्यू वर्ल्ड। तो ये सारी है मनुष्य के अनेक जन्मों का सृष्टि का चक्कर जिसको समझना है, और है एक आत्मा, देखो बिंदी स्टॉल लाइट, उस एक एक आत्मा में कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो ये तो हुआ हम आत्माओं का, फिर परमात्मा का भी, वो भी तो है आत्मा ही है, वो भी स्टॉल लाइक है, ऐसे नहीं उसका शेप बड़ा है हम छोटे हैं क्योंकि वो बड़ा है उसीलिए बड़ा है, नहीं वैसे आप लोगों ने देखे होंगे ना वो बहुत कहीं शिवलिंग की पूजा करते हैं, एक यज्ञ भी रचते हैं, फिर वो छोटे छोटे शालिग्राम बहुत शिवलिंग बनाते हैं, उसका एक यज्ञ करते हैं, तो बहुत वो ये शालिग्राम को उसको कहते हैं शालिग्राम, छोटे 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 बनाते हैं, एक बड़ा बनाते हैं शिवलिंग, तो उसको शिवलिंग कहते हैं और छोटे 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 शालिग्राम कहते हैं। तो इनका भी यही अर्थ है कि छोटे 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 माना आत्मा है, आत्मा का भी शेप तो वही है, उसको शालिग्राम, तो आत्मा शालिग्राम और वो परमात्मा शिवलिंग, परंतु उसका ऐसा नहीं वो बड़ा है साइज उसका और हम छोटे छोटे हैं, नहीं हमारा साइज उसका साइज एक ही है, बाकी फर्क किसका है, हम जन्म मरण में आते हैं, हम हमारी जो लाइट हा? वो डल हो जाती है, ऐसे समझो जैसे स्टार्स हैं, किसकी डल लाइट है किसकी तेज लाइट है, ऐसे ना इसी तरह से हमारे में भी जितनी जितनी प्योरिटी है तेज है, जितने जितने यहाँ इम्प्योरिटी है तो डल है, डल पड़ते डल पड़ते ब्लैक, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है ना वो काला पड़ जाता है, वैसे आत्माएं मानो काली पर हो गई है, बाकी परमात्मा को तो ग्रहण नहीं लगता है नहीं माया का, इसीलिए वो एवर प्योर और वही एक है,
जिसके ऊपर कोई आवरण और कोई एक वो ही आत्मा, जिसको इसीलिए परम आत्मा कहा जाता है क्योंकि हम सबसे उस एक कोई कोई माया का चर्चा है, क्योंकि आते ही नहीं है जन्म मरण में। तो ये सभी चीजों को समझना, इसीलिए बाप कहते हैं देखो मैं आता हूँ, मैं आकर करके अपना परिचय देता हूँ। तो अभी देखो हम भले आँखों से देखने की चीज नहीं है, लेकिन अभी पहचानते हैं अच्छी तरह से कि हम कौन है, हमारा पिता कौन है। अभी उसको पिता भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जिससे हमें वर्षा प्राप्त होता है, इसीलिए हम उनको पिता भी कहते हैं और वो हमारे रचता भी हैं। तो रचता को पिता कहा जाता है, जैसे लौकिक में भी बाप बच्चों को क्रिएट करते हैं तो उनको फादर कहते हैं, तो इसी तरह से वो भी हमको क्रिएट करते। क्रिएट का मतलब ये नहीं कि आत्माएं कभी है ही नहीं, जिसको बैठ के बनाता है वो बिंदिया को बनाता है या स्टॉल लाइक उसको, तो अनादि मॉडल है, उसी के बनाने की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें क्या बनाता है, वो जो इम्प्यूरिटी आवरण ग्रहण लगा है ना, वो उतार कर करके वो अपना जो प्यूरिटी का पावर है ना, वो दे कर कर करके और हमारी इम्प्यूरिटी का नाश करके हमको फिर प्यूरिटी में ले आते हैं। हाँ, ये हमारी प्यूरिटी हमारे में क्रिएट करते हैं, इसीलिए मानो हमारी नए लाइफ, नई जनरेशन नया ये सभी सुख का वो क्रिएट करता है, तो उनके द्वारा क्रिएट होता है, इसीलिए उनको क्रिएटर करते। बाकी ऐसे नहीं हम आत्माएं है ही नहीं जिसको बैठ के वो बनाता है, या हमारे शरीर है ही नहीं जिसको बैठ कर कर करके वह मट्टी का पुतला करके बनाता है, ऐसी बातें नहीं है। नहीं, तो ये सभी चीजें बुद्धि में है कि यहाँ आत्माएं अनादि है, इमॉर्टल है, परमात्मा भी इमॉर्टल है। जैसे परमात्मा को कोई बनाया नहीं किसने, उसका कोई क्रिएटर नहीं है, वैसे आत्माओं का भी कोई क्रिएटर नहीं है। लेकिन क्रिएटर कहा जाता है वो किसी अर्थ से कि हाँ वो हमारी इम्प्यूरिटी को नाश कर करके, जो इसमें इम्प्यूरिटी पर गई उसको नाश करके हमारे में प्यूरिटी ले आते हैं, इसीलिए हमारी नई जनरेशन फिर हमारी प्यूरिटी से हमको शरीर भी नहीं, हमारा संसार भी नया, हमारी सारी जीवन नहीं हो जाए, तो मानो वो वर्ल्ड का क्रिएटर, आत्मा का क्रिएटर, सबका जैसे क्रिएटर हो, इसी नाते। तो ये तो वो भी उनका पार्ट है, उसी सोल का भी, जो सुप्रीम सोल है उसका भी पार्ट है हमको ये पावर देना, इसीलिए कहते मैं आता हूँ वो अपने साथ कनेक्शन योग सिखाने के लिए, अर्थात मेरे से कैसे कनेक्शन रखो तो तुमको पावर मिले, और पावर मिलने से तुम प्यूरिफाइड होंगे, तेरा संसार नया हो जाएगा, सब कुछ नया होगा। तो ये है उस बाप का पार्ट यहाँ, इसीलिए उनको क्रिएटर डायरेक्टर हाँ ये सभी नाम दिए हुए हैं। तो अभी बाप कहते हैं अभी फिर से टाइम आया है न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने का, अभी ओल्ड वर्ल्ड अपना स्टेज पूरा कर चुका है, अभी इसको फिर भी कुछ भी मरम्मत करने की और आगे चलाने का टाइम नहीं है, अभी कंडीशन एकदम अभी तोड़ने की कंडीशन है, इसलिए कहते हैं अभी कंडीशन इसकी जड़ जड़ी भूत अवस्था बनी है, अभी इसका डिस्ट्रक्शन और फिर न्यू वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन, इसीलिए देखो मैं आया हूँ, ये सैपलिंग लगाना मेरा काम है। तो अभी मैं अपने काम पर आया हुआ हूँ, उसका काम चालू है अच्छी तरह से। हाँ, तो अभी कैसे चालू है वो कहते हैं, ऐसे भी तो नहीं मैं तो करण करावन हार हूँ ना, मुझे तो कोई हाथ पाँव नहीं है, कोई बैठ कर करके हाँ क्या करूँ, यहाँ नॉलेज देना है उसके लिए मुख लेना पड़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में मुझे नॉलेज देना पड़ता है, नॉलेज से प्यूरिफाइड बनाना पड़ता है, इसीलिए नॉलेज देनी पड़ती है। और डिस्ट्रक्शन के लिए तो बात ही नहीं है ना, उनका बैठ कर कहना ये एटम ऐसा बनाओ ऐसा, वो प्रेरणा से यहाँ, इसीलिए कहते शंकर द्वारा वो विनाश का प्रेरक बन कर कर करके, ये देखो फिर बैकबोन तो मैं ही हूँ सबका, तो फिर देखो ये सब अभी उसी तरह से वो बुद्धि काम करती रहती है। तो देखो वो विनाश डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन के लिए तो सिर्फ मनुष्य तो नहीं है ना, खाली ये बाम शादी खाली मन, उसमें तो नेचुरल कैलमिटीज भी है, फिर उसको क्या बैठ के सिखाऊंगा, ऐसे तो बात ही नहीं ना, जैसे वो टाइम है वो मैं हुई बैकबोन, हाँ ये सब प्रेरक, तो उससे भी प्रेरक हाँ उनको भी तो नेचुरल कैलमिटीज से भी और ये बाम शादी से भी सिविल वॉर के जरिए उसे बुद्धि से हाँ देखो काम ही ऐसे बनते, बेचारे कितने सुधार के करते हैं, लेकिन सुधरना इसी तरीके से तो है ही ना, वो काम ही ऐसे बनते चलेंगे जिसमें टक्कर खाते रहे, टक्कर खाते खा 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 के क्लश आ जाएगा, तो फिर अच्छी तरह से
तो ये सभी बातें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि इसी तरीके से मेरा काम, मैं डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और फिर जो कंस्ट्रक्शन करता हूँ उसी की फिर पालना करने के लिए फिर उनको भी लायक बनाता हूँ। तो देखो अभी अपन को कंस्ट्रक्शन वाली जो दुनिया नहीं है उसमें हम सदा सुख पाते चले, उसकी प्रालबद भी हमारे में बनाते जा रहे कि बहुत जनरेशन में हम उसका फल पाते चले, तो उसकी पालना लायक भी, तो पालनहार भी हो गया ने, हमारे पालनहार भी हो गया, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन करने वाला भी हो गया, तो डिस्ट्रक्शन, तो इसीलिए उनको कहते हैं विनाश स्थापना पालन करता, परंतु है कर न करावन हा। बाकी ऐसे नहीं कहीं उसका अर्थ समझते हैं कि वो विनाश स्थापना पालना ऐसे करते हैं, ये सब मनुष्य जो मरते हैं ना, कभी कोई मरा कभी मरते हैं, ये माता भगवान है, ये विनाश करता भगवान है, और कहीं जन्मते हैं, हाँ आज कितने, आज के दिन में दुनिया में कितने जन्म होंगे, ये जो जन्म सबको मिलता है वो भगवान देता है, ये क्रिएटर है, हा? वो डिस्ट्रक्शन करता है, जो मरते हैं वो सब भगवान करता है, और खाना पीना जो सबको मिलता है ना, किस बेचारे को रोटी मिलती है किसको नहीं मिलती है ये सब भगवान करता है। पालना में तो सब चलता है नहीं, किसको अच्छी रोटी मिलती है किसको नहीं भी मिलती है बेचारे, कितने बेचारे भूख मरते हैं, तो ये पालनहार, तो कई अर्थ ऐसा समझते हैं कि ये सब पालनहार परमात्मा है, विनाश करता भी परमात्मा है और क्रिएट करता भी परमात्मा, ये सब परमात्मा करता है, और परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारे जन्म और ये मरण और ये पालन मैं थोड़ी करता हूँ, मेरा पालन ऐसा थोड़ी होगा किसको बेचारे को रोटी मिले किसको मिले ही नहीं, हाँ कोई मरे दुखी बेचारा होकर के मरे, हाँ ये मैं थोड़ी बैठ के ये धंधा तुम्हारा करता हूँ, ये तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब है हर एक का, तुम अपने कर्मों के हिसाब से जन्मते हो, कोई राजा के घर जन्म लेते हैं कोई कहाँ, ये सब कर्म से अपना जो बनाए हैं, और कोई बेचारे यहाँ मरते हैं, और तो ये तो तुम्हारे कर्म का था, ये मेरा विनाश स्थापना पालना ये मेरा अर्थ ये नहीं है, मैं कैसा विनाश और स्थापना और पालना करता हूँ, उत्पत्त पालन जिसको उत्पत्त पर, तो हम उत्पत्त अक्षर इसी लेने का हम यहाँ से कहीं उत्पत्त से ये अर्थ निकालते हैं कि भाई कभी कुछ था ही नहीं जिससे उत्पत्त किया, स्थापना कहने से यानी कुछ चीज है जिसके ऊपर आकर कर करके स्थापना किया, तो उसे सिद्ध होता है स्थापना से, तो कोई चीज पहले है जिसके ऊपर, ऐसे नहीं कुछ है ही नहीं जो उसने बैठ, जैसे कहीं समझते तो उत्पत्त शब्द से कहीं ऐसे, इसीलिए हम उत्पत्त अक्षर काम में नहीं ले आते, तो कोई अर्थ ऐसा ना समझे भाई भगवान ने उत्पत्ति की परलय की, परलय माना बिल्कुल नाश कुछ रहा ही नहीं, उत्पत्त माना कुछ था ही नहीं तो फिर उत्पत्त किया, पर तो ऐसे नहीं, न परलय होती है न ऐसी उत्पत्ति होती, परलय होती ही नहीं है, परलय का जो मीनिंग समझते हैं कि कहीं भाई की एकदम कुछ भी नहीं है, न जल न पानी न पृथ्वी कुछ नहीं, सब जलमयी, जल भी था बोला जलमयी तो फिर जल भी होगा ना, तो कुछ तो होगा, परंतु ऐसे भी नहीं है कि खाली जल ही जल था यहाँ कुछ, इसीलिए बेचारे कहीं चित्र भी दिखलाते ना वो पेपर के पत्ते पर, वो कृष्ण छोटा दिखलाते हैं, देखे चित्र में वो पेपर का पत्ता है उसके ऊपर जल है, जल के ऊपर पेपर का पत्ता है उसके ऊपर कृष्ण एक अंगूठा चूसता है, दिखलाते हैं कि बस उस बेचारे को ठिकाना ही नहीं था, पत्ते के ऊपर बैठना जल के ऊपर रहना और ऐसा अंगूठा चूसता रहता है, दिखलाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ दुनिया थी नहीं जल के ऊपर या पत्ते के ऊपर, ये तो इसका अर्थ है, यानी देखो हम इधर देखा पत्ते के ऊपर देखा है वो छोटा मिचनू लाठी है, वो मिचनू देखो पत्ते के ऊपर दिखलाया है, तुम दिखाओ उठ के कृष्ण थोड़ा, ये देखा सबने, ये पत्ते के ऊपर मिचनू दिखलाया है, ये पत्ते में क्यों दिखाए, तो इसी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पहला जो पत्ता है ना, वो पहला पहला ये है, इसीलिए इसका है कि पहला पत्ता, तो वृक्ष के हिसाब से, बाकी ऐसे नहीं जलमय है उसके पत्ते के ऊपर, जैसे कि अंगूठा वो देखे होंगे बहुत भक्ति मार्ग में, ऐसा अंगूठा उसके मुख में पड़ा है और पत्ते के तरता तरता ऐसा दिखलाते हैं, पर तो ऐसी बातें नहीं है, ये दिखलाया है कि इस वृक्ष का पहला जो पत्ता है वो फर्स्ट यानी ह्यूमन फर्स्ट जिसको कहें, नहीं दुनिया का तो पहले ये प्रिंस है ना, पीछे वही श्री नारायण बना है, पर तो पहला तो छोटा बन गिनेंगे ना, तो ये सभी चीजें बैठकर करके बाप समझाते हैं कि नहीं दुनिया का पहला पहला, बाकी ऐसे नहीं एकदम कुछ है ही नहीं, तो ये सभी चीजें, और गीता में भी है, मैं आता हूँ अधर्म विनाश धर्म स्थापन करने के लिए, तो अधर्म विनाश करने के लिए आया होगा और धर्म स्थापन करने के लिए तो जरूर अधर्मी भी मनुष्य होंगे ना,
उसका मतलब यह कि दुनिया तो होंगी ना, दुनिया थी नहीं और भगवान आया दुनिया बनाने के लिए, तो उसकी मतलब दुनिया थी नहीं, तो ऐसा क्यों कहा मैं आता हूँ अधर्म विनाश और धर्म स्थापन करने, तो इसका मतलब अधर्मी मनुष्य थे ना, तभी तो नाश करने आया, तो कोई चीज थी ना जिसका नाश किया और कोई चीज बनाई, तो नाश करने वाली भी तो कोई चीज थी ना, दुनिया थी ना, तो ये सभी चीजें समझने की हैं। तो बाप बहते समझाते हैं कि ऐसे नहीं है कि दुनिया कभी है ही नहीं, मैं आता ही हूँ दुनिया पुरानी का खत्म करके नई दुनिया बनाए, तो वो सेटलिंग हो गई ना, बाकी ऐसे नहीं एकदम पर ले खत्म का नहीं, नई दुनिया साथ ही साथ बनाने आता हूँ, वो कैसे, वो चेंज, ये जनरेशन की चेंज। तो ये सभी चीजें बैठकर करके बाप समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं अभी फिर उसी काम पर आया हूँ और वही काम कर रहा हूँ, अभी किस में आना चाहिए, हाँ डिस्ट्रक्शन की उसमें जाना चाहिए या कंस्ट्रक्शन की उसी और में आना चाहिए, वो तो हर एक हुआ अपना निर्णय अपने से, यहाँ समझना कौन चाहेगा हम डिस्ट्रक्शन किया और क्यों नहीं, अपना नया अभी न्यू वर्ल्ड जो स्थापन हो रही है उसमें अपना सौभाग्य ले ले, और आना ही है आत्मा को पुनर्जन्म में आना ही है, ऐसे भी नहीं है कोई समझे हम ऊपर बैठ ही जाए स्टॉक घर में बॉक्स में बैठे ही रहे हैं, नहीं रिकॉर्ड भरा हुआ है खाए के लिए, बजने के लिए कि भराए रखने के लिए, हाँ वो भरा ही पड़ा है उसमें, उसको आना ही है ग्रामोफोन पर जरूर आना है, ऐसे नहीं है कि रिकॉर्ड खाली बॉक्स में रखने के लिए, नहीं भरा क्यों काहे के लिए भरा, हाँ तो उसमें है पार्ट है, रिकॉर्ड में पार्ट है ही, उसको ग्रामोफोन पर आना ही है और ये अनादि है, अच्छा बजना ही है, उसको शरीर में आना ही है, वो कोई कहे कि नहीं हम लीन हो जाए बैठे ही रहे उधर उसमें लीन हो जाए, एक तो लीन नहीं जिसका जो 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 भरा हुआ है पार्ट, एक दो में मिलते एक का गीत दूसरा, दूसरे का गीत दूसरा, तीसरे का अपना अपना, सबका गीत अपना है ना, देखो सबका कर्म का हिसाब अपना है ना, एक ना मिले दूसरे से हा? मिलता नहीं है, इसलिए सबका अपना है, अनेक जन्मों का ही अपना अपना है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे ये तो बातें सब समझने की ड्रामा ये बेहद का सब बातें कैसी बनी हुई है, इन्हीं सभी बातों को समझना है, तो यथारथ रीति से जान करके अब उसके मुताबिक क्या करना चाहिए, बाकी ऐसे नहीं मैं लीन हो जाऊं, नहीं उसमें लीन है उसका पार्ट अपना है परमात्मा का भी, उसमें ये भी नहीं लीन हो सकता है नहीं, उसका पार्ट अपना हर एक आत्मा, आत्मा में भी लीन नहीं हो सकती तो परमात्मा में कभी हो सकेगी, कभी नहीं, आत्मा आत्मा में भी कहे लीन हो जाए तो भी नहीं हो सकती है, उसका पार्ट अपना, उसका पार्ट अपना, हर एक का संस्कार अपना, तो आत्मा आत्मा में भी मिक्स नहीं हो सकती तो उसमें कैसे होंगी, वो तो उसका है ही सबसे न्यारा, कहते हैं ना तुम्हारी गत मत न्यारी तुमका सब कुछ न्यारा, तो वो जो है ही न्यारा बिल्कुल जन्म मरण रहित, तो वो हमारे से कैसे उनके हाँ उसके साथ हमको मिलने की क्या बात है, और मिलने से कोई मतलब भी नहीं है, इधर हमको जो स्टेज चाहिए सुख की शांति की उसी लिए हम समझते हैं ना, उसमें मिल जाए तो हम ऐसे शांति स्वरूप हो जाएंगे, परंतु हमको अपने स्टेज में जो शांति लेने की है वो हमारी स्टेज है ना, ऐसे थोड़ी उसमें मिलेंगे तभी शांति होंगी, हाँ नहीं हमको अपनी स्टेज में शांति की स्टेज है, लेकिन वो हम जानते नहीं है, वो हमको अपनी स्टेज प्राप्त करने की है, तो वो हम कैसे प्राप्त करें उसी का बैठ कर के बाप समझा दे, तू मेरे में मिलने से लीन हो जाने में से कोशिश मत कर, न तू लीन होगा न कोई वो स्टेज कोई ऐसे मिल देती है, तुमको कैसी स्टेज तेरी मिलने की है वो तू स्टेज समझ, वो तो तुम्हारे ऊपर वो ब्लैक आवरण ग्रहण माया का चढ़ा है ना वो होता तो तू भी अपनी स्टेज पर आ जाएंगे, तो तुमको क्या उतारना है, तुमको कैसे प्योर बनना है, तू उसी तरीके से प्योर बन, बाकी कोशिश करते हो उसमें मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिलेंगे क्या हा? उसमें तो मिलने की कुछ होने का ही नहीं है ना, वो होने की नहीं है, जो होने की भी नहीं है और जो उससे कुछ कनेक्शन की इसी तरीके उससे कनेक्शन रख पावर ले, और अपने ऊपर जो ग्रहण चढ़ा है नहीं माया का ब्लैक हो गए हो हा? वो चमक तुम्हारी निकल गई है एकदम हाँ, तो वो चमक अपने में ला, वो मेरे से चमक ले, मेरे से वो पावर लियो, वो शक्ति लियो, बल लियो, जो तेरे में वो चमक आए उसी चमक से फिर तुम सदा सुखी बनेंगे, फिर ऐसी चमके लिए आत्मा, फिर जो शरीर भी लेगी ना वो भी चमके ले, जैसे देवताओं के शरीर से एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी हाँ, बाकी तुम्हारा ऐसा ही काम है, बाकी ऐसे नहीं तू कोशिश कर मेरे में से तो कुछ आया ही नहीं, उसमें तो जो है ही नहीं बात, जो स्टेज ही नहीं है, जो होने की नहीं है उससे कुछ नहीं, जो तुम्हारे को मिलना क्या है, तुम्हारा होना क्या है, तुमको प्राप्त क्या करना है वो तुम अपनी समझ ना, तुम चीज क्या हो, तुमको कैसे अपनी चीज अपने लायक बनानी है, अपनी स्टेज ऊंची रखने की है उसी को समझ,
ये सभी बातें समझने की हैं, इसी को समझ कर करके ऐसा पुरुषार्थ रखने का। कभी आती है ना बुद्धि में सब बातें, इसीलिए समझते और पुरुषार्थ करते चलो। अच्छा टाइम है, 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब है याद करो और उसे पावर लियो, तो ये ब्लैक आवरण जो चढ़ा है ना वो उतरता जाए, इसको उतारना है। याद का भी मतलब यही है कि उससे हमको पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा याद का कनेक्शन से, और हमको अपना वो उतारना है। बाकी कोई ऐसे नहीं उसमें मिल जाने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं, उससे हमको मिलना है। कुछ मिलने का मतलब नहीं मिल जाना है, ऐसा मिलना है, उसे प्राप्त होने का है। क्या प्राप्त होने का है? ये पावर, जिससे हमारी आवरण अथवा जो कुछ चरा है, ये अज्ञान का अंधकार कहो या ऐसे कहो, ये ग्रहण कहो माया का, वो हमें छूटना है। बॉन्डेज, माया का बॉन्डेज कहो। स्वर्गवासी बना रहेगा, स्वर्ग बनेगा तभी तो स्वर्गवासी भी बनेंगे ना। स्वर्गी नहीं होगा तो स्वर्गवास कहाँ करेंगे। अभी स्वर्गी तो परमात्मा अभी आया है बनाने, बाकी कोई दुनिया बनी रखी नहीं है ना? बनाने आया, इसी दुनिया को ही उसको बनाना है ना। तो जब ही बनाने वाला आवे, स्वर्ग को बनावे, तभी तो हम स्वर्गवासी हो ना। इसके पहले कौन हुआ होगा स्वर्गवासी? कोई नहीं, कैसे होगा? स्वर्गी नहीं है, कहाँ है, किधर है? इसीलिए बाप कहते हैं इसके पहले स्वर्ग है ही नहीं तो स्वर्गवासी कहाँ होंगे, यहीं बैठे हैं सब, जो मरे हैं इधर ही है, कोई ना कोई जन्म में कोई गया ही नहीं है। स्वर्गी कहाँ है जो कहे गए होंगे? स्वर्गी मैं अभी आता हूँ बनाने के लिए, अभी जो बनेंगे ऐसे लायक वो फिर स्वर्ग में शरीर लेते, शरीर छोड़ते स्वर्गवास में रहेंगे, यानी स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे शरीर लेंगे। तो वो स्वर्ग का शरीर छोड़ना लेना वो मरना नहीं है, उसको कहेंगे अमर पद, क्योंकि वो दुख से शरीर नहीं छोड़ते हैं, अभी तो दुख से छोड़ते हैं ना। तो उसी इसको अकाल मृत्यु, वो उसको मृत्यु नहीं कहेंगे, वो मालिक को करके, जैसे सांप एक खाल उतारते हैं दूसरी जड़ाते हैं, इसी तरह से यहाँ एक शरीर छोड़ा, पुराना हुआ नया लिया, इसमें दुख करने की क्या बात है? और ये पुराना कपड़ा छोड़ते हैं नया पहनते खुशी करते, नहीं नया कपड़ा मिला है आज, ऐसा नहीं है, पुराना छूटा तो इसमें भी तो क्या, तो ये पुराना हुआ बाल युवा टाइम पूरा हो गया, अभी पुराना उतारते हैं नया देते हैं, अब पता रहता है नहीं, अभी टाइम है उतारने का, अभी नया लूंगा क्या लूंगा मालूम रहता है, इसीलिए वो डर नहीं रहता है। वो दुख का तो है ही नहीं, जनरेशन सुख के ही है, अभी तो दुख है ना, तो बेचारे रोते हैं, जिसका द्वारा जिसके घर से कोई मरता है तो घर वाले भी रोते हैं और वो भी बेचारे दुखी होते जाते हैं, होता है, क्योंकि दुख में जाते हैं ना इसीलिए रोते हैं, कहते स्वर्गवास है, परंतु हाँ जाते तो दुख में ना, तो रोना तभी आती है आत्मा को, तो वो तो जानती है ना कि क्यों आ जाता है दुख में, तो रोते हैं तभी, क्योंकि सुख में तो बेचारे जाते नहीं। तो अभी अपना अपन सच सच अभी स्वर्गवास होती, तो अभी सच सच स्वर्गवास बनाने का प्रयत्न करो अपने को। कैसा माता जी, अच्छा है, चलेगी स्वर्ग में? उसके लिए तो फिर पुरानी दुनिया का सब जो अटके है नहीं कुछ ना, वो छुड़ाना पड़ेगा, अगर नहीं तो कोई पीछा पकड़ेगा तो किसके ले जाएगा। तो इसलिए देश है तो देह के सर्व संबंधों से वो थोड़ा बुद्धि योग हटा करके एक में जोड़ना है तो उसका पावर खींच लेगा, नहीं तो किधर मोह ममत लटका हुआ होगा ना तो पीछे वाले पकड़ लेंगे, फिर बुद्धि उधर चली जाएगी तो अंत मते तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने को ऑल राउंड से छुड़ा के बंधन मुक्त हो जाओ, तो फिर मेरे से होगा तो फिर आप ले जाऊंगा, ठीक है ना? कैसा? अच्छा।